बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, हाय हाय हाय। सुनीता जी, जो क्रांति देवी का रूप ले रही है, इस बार भूषण जी के साथ क्या कांड होने वाले हैं, पूछते हैं इनसे। सुनीता जी, आपका स्वागत है स्टेज पर। आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू कम अप ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ फैजल भैया हैं आप पीछे हमारे, आएंगे स्टेज पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ साथ चंदन जी, आपका इंतजार है। चंदन जी कहाँ पर हैं? सबसे सुडोल चेहरा लेकर जो इंसान है स्टेज पर, मेरे हिसाब से खूबसूरत आदमी। एंड ऑफ कोर्स, व्हाट इज अ शो और अ प्रोजेक्ट विदाउट इट्स राइटर, राइट? तो प्लीज चंदन कुमार जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। चंदन जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी गिव यू टीम पंचायत। दिस इज द फोटो अपॉर्चुनिटी। जितने फोटो चाहिए करवा लीजिए सर। आगे आइए, थोड़ा सा आपसे दरख्वास्त है, मेरी टीम से दो कदम आगे आएंगे, दो कदम आगे। क्रिएटर्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन। डायरेक्टर साहब, राइटर साहब, मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। चेयर्स आएंगी, हम बैठेंगे, कुछ बातचीत होगी। ट्रेलर से ज्यादा मजा आएगा। ये जो, चलिए शुरू करते हैं, मुझे बताइए कि जो आपका लास्ट एपिसोड था, क्लिफ हैंगर था कि क्या हो रहा है अभिषेक और रिंकी के बीच में, तो बताइए तो हमको भी। वो तो पता चलेगा 20 तारीख को, लेकिन हाँ काफी सारी चीजें हो रही हैं, मतलब धीरे धीरे आराम से। अच्छा, तो ये सस्पेंस आप नहीं तोड़ने वाले? हाँ, ये तो मुझे लगता है कि देखने दो, एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा। बट हाँ, काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक है वो भी, और जो इस सीजन में हम लोगों ने थोड़ा और ट्रैक वो खोलने की कोशिश की है, तो मजा आएगा अभिषेक और रिंकी का रोमांस देखने में। बहुत बढ़िया। रितु, टॉक टू मी अबाउट द फैक्ट दैट ये शो जो है इतना पॉपुलर, इतना वाइल्डली सक्सेसफुल, लेकिन ऑडियंस की वजह से क्या रिएक्शंस हैं और कितना इंतजार रहा है सीजन टू के लिए, आप बताएं मुझे। आई थिंक हाँ, मतलब जब बना रहे थे तो वही कन्फ्यूजन था कि कितना स्प्रेड होगा, कितने लोग देखेंगे, क्या रहेगा। मतलब आई थिंक हम लोग ये तो श्योर थे कि कंटेंट अच्छा बना रहे हैं, बट कितने लोग देखेंगे ये नहीं आइडिया था। एंड आई थिंक हाँ, प्राइम वीडियो ने काफ़ी उसको अच्छे से मार्केट किया और सब लोगों तक पहुँचा वो, तो उसके लिए थैंक यू प्राइम वीडियो। एंड जो रिस्पांस था वो काफ़ी इतना खतरनाक था कि हम किसी से भी वेट नहीं हो रहा था कि कब सीजन टू हम स्टार्ट करेंगे और कब वो आएगा। एंड फाइनली वो डेट आ गई है 20th मई, और वो आने वाला है, होपफुली सबको अच्छा लगे। जी, तो मुझे बताओ कि अभिषेक जी क्या कभी फुलेरा छोड़ेंगे अब? हाँ, ये सवाल गंभीर है। लेकिन ठीक ठाक सवाल है, अच्छा सवाल। हाँ, मुझे लगता है अभिषेक का तो मन नहीं कर रहा है, बट ठीक है। गांव सुंदर इतना है, गांव के लोग सुंदर हैं, तो आई थिंक अभिषेक तो वहीं रहना चाहता है। बाकी तो हाँ, डेस्टिनी है अभिषेक की। That's a fantastic trailer. Thank you so much, Jitu. Thank you so much for joining us. Raghuveer ji. Ji. Loki laaye hain. Ye mujhe Loki jaisa laga hai. Itne sare kirdar. Main aapse kahun, ye mera personal fan moment hai, kyunki jaise maine aapko backstage bhi kaha ki hum to aapko tab se dekh rahe hain jab se humko pata hi nahi tha ki hum kya dekh rahe hain. 88 ki baat hai, Mungeri Lal ke Haseen Sapne. Us time se aapko dekhte aa rahe hain. Lekin main jaanti hu ki एज एन एक्टर, यू नो, अपने आप को इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। प्रधान जी के किरदार ने आपको क्या दिया? प्रधान जी के किरदार ने बहुत कुछ दिया है मुझे। एक्चुअली आवाज़ आ रही है? नहीं, उनको पीछे रिकॉर्डिंग। अरे, उनको भी आ रही। क्या है, ये माइक वाइक की आदत नहीं है। लौकी समझ के पकड़। हाँ जी, लौकी समझ के पकड़। आने दीजिए, अभी तीसरा वाला जब आएगा ना, ना आपको लौकी खिलाया, हम छोड़ेंगे नहीं क्रांति देवी। आप समझती कहाँ हैं अपने आप को, अभी आपके हाथ में लौकी नहीं है, कुछ और आया है, बताएंगे हम आपको। बहुत हो गया, एक बार और आपने कहा था। ठीक है, अच्छा, तो प्रधान के किरदार से मैंने बहुत सीखा। एक्चुअली सीखने की मेरी आदत ही है, हमेशा से ज़िंदगी भर सीखते ही चला आ रहा हूँ, और सीखने भी बड़ा मज़ा आता है। कोई भी कुछ कह देता, सुन लेता हूँ, उससे सीख लेता हूँ,
और सीख ऐसे लेता हूँ कि पता नहीं ये जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर गलत कर रहा हूँ तो सही रास्ता इख्तियार कर लेता हूँ, और सही कर रहा हूँ तो गलत रास्ता नहीं अख्तियार करता फिर। तो ये है कि बहुत कुछ सीखा, और क्या है कि मैं पंचायत का जो माहौल है, जो उस गाँव का माहौल है, इस माहौल से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही गाँव का, बैलगाड़ी चलाता था, बहुत छोटे से एक विलेज से मेरा ताल्लुक़ है, और वहाँ पे मेरे नाना जी ज़मींदार थे, और उन्होंने एक स्कूल बनवा दिया था, और बिल्कुल यही फुलेरा जैसी हालत थी, और वहाँ पे एक ही स्कूल बना, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। तो ये लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा जी हैं, उनको एक पागल कुत्ते ने काट दिया था, तो उसे उनकी डेथ हो गई, उन्हीं की स्मृति में वो स्कूल बनवाया और उसी में मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो वो अभी भी है लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन, तो हम बहुत सारे बच्चे वहाँ से पढ़ के निकले, और वो स्कूल ऐसा है कि फेल होना ज़्यादा सिखाता है, पढ़ना कम सिखाता है। तो ऐसे ही मैं सीखते चला आया हूँ। फिर ये प्रधान जी मुझे मिल गए, तो हमारे गांव में भी बहुत प्रधान प्रधान सब हुआ करते थे, और मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश का हूँ, फिर मैं बिहार में भी रहा हूँ, मैं राजस्थान में भी रहा हूँ, मैं यूपी में भी रहा हूँ, तो इस तरह का जो माहौल है मुझे बड़ा मज़ेदार लगा, ये पूरे पंचायत का मज़ेदार ऐसा लगता कहीं ना मेरे अंदर ही है, वो मेरी ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है। तो फिर जब सामने आया तो बहुत मज़े किए मैंने, और साथ में ये जो बड़े बड़े गुंडे ये जिन्होंने एक्टिंग में गुंडागर्दी अख्तियार कर रखी है, इनका साथ मिल गया, ये देखो गुंडी है ये सब, तो इनके साथ फिर और मज़ा आ गया, फिर लोगों से भी बहुत सीखा मैंने। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैंने लंबी बात कर दी? नहीं बिल्कुल नहीं, आप बोलते रहिए प्रधान जी, आपका तो बनता है, आपका तो बनता है। हाँ मैं अपनी बात समझाना चाहता हूँ आराम से, क्या है कम से वो लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन है ना, कम में नहीं समझ तो फैला के समझाता। नहीं नहीं फैला के ही फुलेरा की बातें होनी चाहिए, कुछ रह ना जाए, रह ना जाए बिल्कुल। सुनीता जी हाँ मैं देख रही हूँ कि मतलब क्रांति देवी के रूप में आकर दीदी छा रही हो, मुझे बताइए कि ये जो इस सीजन में आप कितना बवाल मचा रही हैं, क्योंकि काफी लग रहा है कि आपके ऊपर पूरी नडिंग चल रही है पूरे सीजन की। नहीं नहीं कसर तो प्रधान जी भी कुछ नहीं छोड़ते हैं, पर ये है कि हाँ मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि सारे मसाले हैं, तो मिर्च का जो आखिरी तड़का है, ओहो ओहो, तो ये वो मिर्च का तड़का है। क्या बात है, क्या बात है, ये कोई आप कुछ फेंक रहा था ट्रेलर में, चप्पल थी ये किसने फेंकी है चप्पल जरा बताइए, ये है ना ये जीतू जी अभिषेक जी आपने ये किया, सचिव जी ने फेंकी है, सचिव जी ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा, इंटेंशनल नहीं था, इंटेंशनल कुछ नहीं था, गलती से हुआ था, ये लोग सब करते हैं फिर कहते हैं हमने तो इंटेंशन नहीं था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चप्पल को गिरते हुए नहीं देखा, उसमें फूल भी लगे हुए थे। मैं जानती हूँ कि इस शो में कहीं ना कहीं ये एक वॉर जैसा लग रहा है ना, कि आप इनका एक परिवार जैसा है और आप जो हैं अलग हैं, लेकिन आई एम श्योर कि शूटिंग के दौरान ऐसा नहीं हुआ होगा। ना 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 बिल्कुल। तो जरा बताइए यहाँ पर कौन कितने पानी में है, सबसे ज्यादा कौन सताता है, कौन ज्यादा खाता है, कौन ज्यादा बातें करता है, जरा बताइए कौन कितने पानी में है। नहीं नहीं ये तो मतलब हम लोग ऑन स्क्रीन इस तरह का किरदार है, पर अदरवाइज हर कोई बहुत अच्छा है, बहुत आपकी बहुत फेवरेट अच्छा है। एक को चुनना है, चलो चुन लो। नहीं ये सब बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, सच बताऊं तो मैं भी फैन थी, बिकॉज मैं पंचायत वन का हिस्सा नहीं थी, और जिस तरह आप सब लोग पंचायत देखने के बाद उसके फैन हो गए थे, उसी तरह मैं भी उसकी फैन हो गई थी। और आर्टिस्ट की एक भूख होती है, जो भी कुछ अच्छा काम होता है ना, उसको लगता है काश इसमें मैंने भी कुछ किया होता, तो मेरी तो वो मुराद पूरी हो गई। क्या बात है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम वीडियो की, टीवीएफ की, और इन सारे कलाकारों की, मेरे डायरेक्टर की, राइटर की, के मुझको मौका मिला। और ऑफ स्क्रीन तो सबके साथ बहुत अच्छा। फेवरेट एक को चुनना है, एक को। ये पंचायत थ्री के लिए बीच डाल रही लड़ाई के। मैं मजाक कर रही थी सुनीता जी, मैं मजाक कर रही थी। नहीं शी इज लाइक मैं चुनूंगी, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। मेरी फेवरेट अभी है नहीं, मेरी फेवरेट है नीना गुप्ता, तो उनके साथ मेरा सबसे अच्छा समय गुजरता है, तो हम इन सबकी भी बुराइयां कर लेते हैं। अच्छा
ये तो लेडीज वाली पार्टी होगी ना, बहुत बढ़िया, जैसे हम कर रहे हैं ये सब बहुत अच्छे हैं, पर वो बहुत ही अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैजल भाई, आपसे बात करनी है मुझे जरा माइक। शुक्रिया प्रहलाद जी, जब आते हैं स्क्रीन पर उनको देख के मुस्कुराहट छूटने लगती है, मुझे बताइए आप में और प्रहलाद जी में क्या कॉमन है आपके किरदार में और आप? जी मैंने बहुत मेहनत किया उसके लिए, खूब खाया हूँ, अभी तक खा रहा हूँ। अच्छा तो आर यू मेथड एक्टर, तो ये सब जो वेट चल रहा है ये पंचायत की वजह से चल रहा है? नहीं मैं वैसे भी था, पर मुझे अब अपने आप को झूठ बोलने के लिए पंचायत का नाम दिखा देता हूँ, इसकी वजह से वेट ऑन, इसकी वजह से वेट पुट ऑन कर रहा हूं, तो बहुत मेहनत किया मैंने। और इस सीजन में तो आप अलग नहीं लग सकते थे, तो फिर खाया मैंने एक डेढ़ साल, फिर जो इसको सोचते सोचते कि अगले सीजन में अगला फिर आएगा फिर खाता रहूंगा, तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जैसे एक्टर लोग मैंने वेट गेन वेट लॉस, मैं वेट गेन फिर जो है मेरा कुछ वीडियो वीडियो भी बन के आएगा कुछ दिन बाद, 220 पार होने का पंचायत 10 में पंचायत 10 में हाँ देखेंगे कि एक्चुअली उसका ये आर्क यही होना चाहिए कि प्रहलाद जी के साथ क्या होता है, टंकी के पास मेरी टंकी होगी तो ऐसा रहेगा। फैजल मैं आपको बताती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसा शो जहाँ पर हर किरदार को मिल रहा है इतना प्यार जी। आप मुझसे उस प्यार की बात कीजिए कि आपके लिए क्या किया है इस शो ने। इस शो ने एक्चुअली मैं तो एक्टिंग करता नहीं था, तो इस शो में मतलब जो किया उसके बाद एक दिन तीन अप्रैल को दुनिया ही बदल गई, तो तब से अभी तक बदली हुई है, तो उसको रोज देखता हूँ, अच्छा ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, तो वो शो की वजह से हुआ है। थैंक यू चंदन और दीपक का, बिल्कुल, बाकी सारे लोगों का। तो मेरे तो ये पिछले एक दो साल से शुरू हुआ है एक्टिंग और ये सब सारी चीज़ें, तो मैं रोज़ ही देखता हूँ कि अच्छा ये भी हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, पंचायत की वजह से हो रहा है, और पंचायत धीरे धीरे और भी अच्छा होता जा रहा है, तो एक जर्नी है मजेदार सी। हाँ जी बिल्कुल। और सीजन टू में प्रहलाद जी क्या करेंगे कुछ बता सकते हैं? बस वही मैंने बताया, बॉडी बना रहा हूँ, बॉडी बना रहे हैं क्या, माशाल्लाह, थैंक यू फॉर दैट। मैं चाहूंगी कि आप माइक चंदन जी को दें। बॉडी बना रहे हैं कि पेट बना रहे हैं? बॉडी बॉडी। चंदन जी मुझे बताइए कि ये जो कहानी है, यू नो सीजन वन के बहुत फैंस हैं उनको कहानी शायद पता है, लेकिन जो मैंने दीपक सर से पूछा थोड़ी देर पहले कि सीजन टू में जाने से पहले एक एक्सपेक्टेशंस होती है और एक प्रेशर होता है, एज अ राइटर क्या ये प्रेशर लेना ठीक होता है, अच्छा होता है? थोड़ा सा प्रेशर तो लेना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। हाँ बिना उसके तो नहीं होता है, बट हाँ उतना डरने की कोई बात नहीं थी, इतना तो पता था, क्योंकि अगर हमने वन जब बनाया था उस समय भी कुछ चीज़ें आगे क्लियर थी हमें कि हमें किधर जाना है, इतना कोई ब्लाइंड टर्न नहीं था कि सडनली कि अब वी डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, सो थोड़ी बहुत प्लानिंग पहले से थी, और जब एक बार आगे फिर गो अहेड मिला उसके बाद फिर हमने काम शुरू कर दिया एंड वी लाइक फिनिश्ड इट इन अ गो, एंड प्रेशर थोड़ा सा तो रहता ही है, सो इट्स ऑल राइट आई गेस। मनीष ने एक बहुत अच्छी बात कही थोड़ी देर पहले स्टेज पर, उन्होंने एक्चुअली कहा कि जितनी रूटेड कहानी हो उतनी ही वो ग्लोबल हो सकती है, और मैंने कहा वाओ क्या स्ट्रेटजी आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, लोग दूसरे लोग भी बना सकते हैं ऐसा शो, ओ माय गॉड ऐसे मत बोलो सीक्रेट्स। लेकिन आप मुझे बताओ व्हेन यू आर राइटिंग, यू नो आप भी यही मानते हैं कि जितना रूटेड एक यू नो एक कहानी हो उतनी ही उसकी रीच कॉमन होती है, या फिर क्या ये हर बात पर अप्लाई नहीं करता? नहीं, जैसे रूटेड का भी एक डिफिनेशन है कि आप रूटेड किस चीज को कहते हैं, लाइक राइट रूटेड एक होता है कि आप कई लोग अज्यूम कर लेते हैं रूटेड लाइक केवल गांव देहात की कहानी है, राइट के हाँ तो कहीं तो ये रूट से जुड़ा हुआ है कुछ वैसा है, बट एक लोकेशन हो, हां करेक्ट, बट एक्चुअली रूटेड इज लाइक यू आर प्लेइंग विद बेसिक ह्यूमन इमोशंस एंड थिंग्स, राइट। अब उसमें बड़ी छोटी चीजें हो रही हैं, स्केल हो सकता है डिफर है, तो बड़ी स्केल की मूवीज भी रूटेड होती हैं, बिल्कुल, बड़े स्केल के शोज भी रूटेड होते हैं, सो रूटेड का अगर डिफिनेशन ऐसा है कि हां बेसिक आप चीजों पे प्ले अप कर रहे हो, सो दैट्स लाइक ऑफ कोर्स इट विल बी यूनिवर्सल, दैट्स फैंटास्टिक। दीपक मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यू नो हर कहानी की शुरुआत स्क्रिप्ट से ही होती है, एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट TVF फॉर अ वंडरफुल 10 इयर्स एज वेल, TVF के लिए तालियां होनी चाहिए, 10 इयर्स ऑफ ग्रेट कंटेंट गाइस, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, थैंक यू। सो लेट्स गो बैक टू दैट स्क्रिप्ट, यू नो जब स्क्रिप्ट आती है आपके पास, व्हाट डू यू थिंक इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ डायरेक्टर, यू नो जब एक सीजन बहुत अच्छा कर लेता है दूसरे सीजन में जाने से पहले कौन सी चीज़ें होती है जो आसान हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये किरदार ये लोग इनके रिएक्शंस कैसे हैं, तो एक न्यूनेस कैसे लाते हैं अपने साथ? देखिए न्यूनेस तो सब कुछ कहानी से ही आता है जी हाँ, ठीक है, अगर सेम कैरेक्टर है आपके पास और एक सेम शो है जो आप फिर से बनाने जा रहे हो, तो आप उन कैरेक्टर्स को किस तरह की परिस्थिति में डाल रहे हो अगर वो बदल दो तो नया अपने आप आ जाता है, तो काफ़ी डिफरेंस है, परिस्थितियाँ बदली हैं सीजन वन से टू में, चाहे वो अभिषेक त्रिपाठी हों चाहे बाकी कैरेक्टर्स हों, सबकी परिस्थितियाँ धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, और वो जो इवॉल्व होना है वही नया है,
और उसको जैसा लिखा गया है उसको एग्जैक्टली उस तरह से कैप्चर कर लेना और ऑडियंस तक पहुंचाना, वो चैलेंज होता है। मैं देख रही हूँ कि इस सीज़न में बहुत सारे कॉल बैक्स हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं एज अ फैन, जैसे कि बवासीर को हम नहीं जाने देंगे एंड आई थिंक जिनको पता नहीं था उनको भी पता है, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस राइट के एंड आई वाज टेलिंग माय ऑडियंस थोड़ी देर पहले कि आई एम अ बॉम्बे गर्ल, यू नो यहाँ पर पैदाइश हूँ, तमिल हूँ लेकिन बोलती नहीं हूँ, यू नो एंड ये मेरी डिसएडवांटेज है ऑनेस्टली, लेकिन जब ऐसी कहानियाँ आती हैं जहाँ पर यू जस्ट गेट इन टू दैट वर्ल्ड एंड आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या ये भाषा जानते हैं, क्या आप ये रेफरेंसेस जानते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ द विन ऑफ पंचायत। सो आई वॉन्ट टू से दैट दिस इज माई पर्सनल वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। थैंक यू ये सीजन टू लाने के लिए हमारे लिए। 20 तारीख को आप देख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, अपने माइक्स ना तैयार रखिएगा एंड जिनके पास ना हो तो प्लीज़ पास ऑन कीजिएगा। अपनी जो ऑडियंस हैं यहाँ पर भी फैंस हैं, आई लाइक टू ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। यू नो व्हाट टू डू, you'll raise your hand, a mic will come to you hopefully and you can answer. Siraj ji, namaskar, kaise hain aap? Ji. Jyoti ji. Jyoti ji ko mic ki zarurat nahi. Jyoti ji, kisse poochna chahenge aap? Raghuveer ji. Acha. Poochiye. Buland awaaz hai. Boliye. Kya actor hai aap? Bahut sare. Cut karke jaunga. Cut karke jaunga. Ji. Iski wajah cut karke बहुत ही कम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हेलो हाँ एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा काम करना नहीं चाहता, नहीं पंचायत भूल जाऊँगा मैं, तो मैं आराम से इत्मीनान से शुरू से मेरी आदत यही रही, जितना बर्दाश्त हो जाए उतनी करो, ऐसा नहीं कि एक पैर इधर रखा हो दो कश्तियों में सवार हो जाऊँ तो फिर ना इस कश्ती में बचूँगा ना उसमें, मैं तो बीच में रह जाऊँगा। तो मुझे इत्मीनान से काम करने में बड़ा मज़ा आता है और वैसे ही काम करना चाहता हूँ मैं, और ये मेरी नीयत ही पहले से ऐसी रही कि वही काम करो जो लोगों को अच्छा लगे, जो खुद को अच्छा लगे, अगर खुद को अच्छा नहीं लगेगा तो लोगों को क्या अच्छा लगेगा, तो बस इसी नीयत से मैं काम करता हूँ और कम काम में मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं चाहता, ऐसा लगता है कि बस जिसमें सुकून मिले बस वैसे ही करते चलो, उसी रफ्तार से चलो बस। जी क्या अंतर है, उसमें मुगेरी लाल था इसमें प्रधान है।